हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं चाहते और ना ही इन घटनाओं के हम किसी व्यक्ति, समाज या रीति रिवाजों को आहत करने की मंशा रखते हैं। इन कहानियों का उद्देश्य अर्थात मकसद आपको आम जीवन में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं से अवगत अर्थात परिचय कराना है। भूत प्रेतों का अस्तित्व दुनिया में है अथवा नहीं, दोनों प्रश्न तर्क देकर सिद्ध तो किया जा सकता है तथा बहस को कुछ समय तक समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है न आप जानते हैं न हम। आज की कहानी शहर कोलकाता के एक प्रख्यात रेडियो जॉकी की कहानी है और उस घटना को याद कर अभी भी आधी रात गए उनकी नींद टूट जाती है। ये कहानी है आपके अपने रेडियो जॉकी आरजे अनिमेश की। कुछ ऐसी अजीबो गरीब घटनाएं घटी जो उनकी क्या हमारी कल्पना से भी परे है और उसके बारे में सोच अब भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरजे अनिमेश उन लोगों में से थे जो भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक उड़ाते थे और उनके अनुसार इन अदृश्य शक्तियों का निवास सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पनाओं की देन मात्र है। पर आज उनको भी इस चीज का एहसास है कि उनकी ये सोच बिल्कुल गलत थी। करीबन एक महीने पहले की बात है, ऑफिस के किसी काम से अनिमेश को 6 दिनों के लिए केरला भेजा गया था। पहले के 4 दिन उनके बड़े आराम से बीते और 5वें दिन से शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। 5वें दिन उन्हें एक नए होटल में चेक इन करना था जो बुलगत्ती आइलैंड कोची में था। एक लंबे सफर के बाद 5वें दिन दोपहर वो उस होटल में पहुंचे। इस होटल में अजीब सी शांति थी जो अनिमेश को काफी अस्वाभाविक सी लग रही थी। अचानक ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पूरा शरीर भारी सा हो गया है और उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसका कारण शायद लंबे से सफर के बाद शरीर में आई थकान भी हो सकती है। होटल के मैनेजर ने उसे रूम नंबर 111 की चाबियां पकड़ाई और होटल के स्टाफ ने उसका सामान उठाकर अनिमेश को उसके पीछे पीछे आने को कहा। एक लंबी सी गैलरी को पार करते हुए वो रूम नंबर 111 तक पहुंचे और इस बीच गैलरी में एक बच्चे के रोने की आवाज अनिमेश के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। परंतु वहां कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा था। रूम नंबर 111 इस होटल की गैलरी का आखिरी कमरा था। रूम का दरवाजा खोलते के साथ ही अनिमेश को हवा के एक झोंके ने जोरदार धक्का दिया। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस दरवाजे को खोलते के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज कहीं विलुप्त हो गई। उस कमरे के अंदर की शांति अनिमेश को काटने के लिए दौड़ रही थी। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया
और पलंग पर चुपचाप लेट गया। अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था अनिमेश उस कमरे के अंदर, जहां से एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, मानो जैसे महीनों से वो कमरा बंद पड़ा हो और उसकी साफ सफाई नहीं हुई हो। उसने रिसेप्शन में फोन लगाने के लिए कमरे के अंदर पड़ा फोन उठाया, परंतु फोन डेड पड़ा था। नहीं चाहते हुए भी अनिमेश को आखिरकार उठना ही पड़ा। उसके कमरे से रिसेप्शन बहुत दूर था। रिसेप्शन की ओर जाने के रास्ते में होटल के स्टाफ उसे अजीब सी नजरों से ताड़ रहे थे। हालांकि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वो रिसेप्शन की ओर आगे बढ़ता गया। वहां पहुंचकर उसने मैनेजर से कमरे के बारे में शिकायत दर्ज करी और उसका कमरा बदलने के लिए अनुग्रह भी किया। मैनेजर ने कहा, सर इस वक्त और कोई कमरा खाली नहीं है, बस आज रात रात की बात है, मैं कल सुबह आपका कमरा बदल दूंगा, और फिलहाल के लिए मैं आपके कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूं करीबन एक घंटे के लिए। अनिमेश रिसेप्शन के सोफे पर ही लेट गया। जब आंखें खुली तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया और तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। उस दिन मीटिंग रात 8 बजे तक चली और मीटिंग से लौटने के बाद रात 9 बजे अनिमेश ने अपने होटल में डिनर किया और रूम नंबर 111 में चला गया। उसके इस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बाहर का नजारा अविश्वसनीय था। खिड़की खोलते के साथ ही सामने का नजारा वमानत लेक का था। अनिमेश ने अपना टीवी ऑन किया। टीवी के बाईं तरफ एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर लग रहा था कि वो किसी विदेशी बच्चे की तस्वीर थी, जिसके चेहरे से मासूमियत साफ झलक रही थी और उसकी निगाहें अनिमेश की तरफ थी। सच मानिए तो उसकी निगाहें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बस अनिमेश को घूरे जा रहा हो। अनिमेश ने उस तस्वीर की तरफ देखना बंद कर दिया और टीवी बंद करके लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी जो आज दोपहर को उसने सुनी थी। रात करीबन 10 बजे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। टीवी पर नजर दौड़ाई तो टीवी तो बंद पड़ी थी। ठीक से सुनने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही हो। अनिमेश ने उठकर खिड़की खोली और आश्चर्यजनक रूप से खिड़की खोलने के बाद वो आवाज अपने आप बंद हो गई। रात के समय खिड़की से वमबानत लेक का नजारा
इतना सुंदर था कि वो पूर्ण रूप से उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर अनिमेश कुदरत के इस नजारे को निहार ही रहा था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। जब वो खिड़की के पास खड़े होकर वंबानत लेक की ओर देख रहा था, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का सा दिया। ये धक्का बहुत जोर से नहीं था, इसलिए बस उसके कदम हल्के से लड़खड़ाए, परंतु मन में एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने तुरंत खिड़की बंद करी और टीवी ऑन करने के लिए जैसे ही रिमोट उठाया, उसकी नजर टीवी के बाईं ओर दीवार पर लगी उस विदेशी बच्चे की तस्वीर की तरफ गई। तस्वीर की ओर देखकर अनिमेश के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उस तस्वीर पर बच्चे की आंख से पानी गिर रहा था, मानो वही बच्चा रो रहा था जिसकी तस्वीर वहां पर लगी हुई थी। अपनी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा हो, परंतु कुछ ही देर में उसे यकीन हो चला था कि ये सब कुछ उसका वहम नहीं, हकीकत है। जिंदगी में पहली बार अनिमेश ने ऐसी चीजें अनुभव करी थी जो उसकी कल्पना से भी परे था। उसने तुरंत कमरे में अंधेरा करा और अपने मुंह तक चादर तान कर सोने की कोशिश करने लगा। इसके बाद अनिमेश के साथ 3-4 ऐसी और घटनाएं घटी जिसने उसे उस कमरे को आधी रात में ही छोड़ने को विवश कर दिया। चद्दर को सर तक तान लिया था अनिमेश ने, ताकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा हो और कमरे की एक झलक भी उसके सामने ना आए। अनिमेश की वो चद्दर जो उसने अपने सर तक तान रखी थी, उसे कोई धीरे 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 नीचे की ओर खींच रहा था। कोई तो था जो बंद कमरे में उसे अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहा था बार बार। धड़कनें काफी तेज हो गई थी अनिमेश की। तभी अचानक चद्दर के अंदर से वो एक पल उजाला और अगले ही क्षण अंधेरा देख पा रहा था। ये सिलसिला करीबन 5 मिनटों तक चलता रहा। अंत में उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए अपने पूरे शरीर के ऊपर से चादर उठाई। चद्दर हटाते के साथ ही उसने पाया कि बाथरूम की लाइट अपने आप जल और बुझ रही है। दबे हुए कदमों के साथ उसने बाथरूम की ओर जाना शुरू किया और गौर तलब रूप से बाथरूम की बत्ती का स्विच बंद पड़ा था, परंतु लाइट अपने आप जल और बुझ रही थी। इसके पीछे शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, परंतु बाथरूम से निकलने के बाद अनिमेश की आंखों के सामने जो नजारा था
वो ना ही किसी टेक्निकल फॉल्ट का नतीजा था और ना ही उसके पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या थी। अनिमेश जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, उसकी नजर अपने पलंग पर गई, जहां उसके लैपटॉप के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था एक 5 साल का छोटा सा बच्चा। इस बच्चे की शक्ल उस तस्वीर वाले बच्चे की शक्ल से हूबहू मिल रही थी। अनिमेश की सोचने और समझने की शक्ति छिन्न हो गई थी। वो बस उस बच्चे की तरफ स्तब्ध होकर देखे जा रहा था कि अचानक उस बच्चे ने अनिमेश की तरफ अपनी नजरें उठाई। आंखों के सामने उस अद्भुत नजारे को देख अनिमेश के गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने तुरंत अपना होश संभाला और अपने कमरे से बाहर की ओर भागा। वो दौड़ता हुआ रिसेप्शन की ओर जा रहा था कि उसे होटल का एक स्टाफ मिला जो इस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था। उम्र के तकाजे से शायद ये उस होटल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक थे। अनिमेश ने चिल्लाते हुए उनसे कहा कि मैंने मेरे कमरे में एक बच्चे को देखा है। अनिमेश के इतना कहते के साथ ही उस होटल स्टाफ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, मानो अकस्मात ही उसे कुछ याद आ गया। परंतु उसने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर आप ठीक समझो तो आप मेरे साथ आज की रात यहां गुजार सकते हैं। अनिमेश ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चाचा कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाहते। और फिर उसके बार बार अनुरोध करने से चाचा ने कमरा नंबर 111 का सबसे बड़ा राज बताया। करीबन 2 साल पहले लंदन से एक परिवार इस होटल में रहने आया। उन्होंने 1 महीने के लिए कमरा नंबर 111 बुक करके रखा था और कमरे को अपने घर की तरह सजा भी लिया था। वहां दीवार पर लगी पेंटिंग को उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे की फोटो के साथ बदल दिया था। 28 जून 2010 की रात कयामत की रात थी। न जाने पति पत्नी के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि पति ने तेज धार वाली छुरी से पहले तो अपनी पत्नी का बेरहमी से खून कर दिया और फिर अपने 5 साल के बच्चे को खिड़की से बाहर वंबानत लेक में धकेल दिया और उसके बाद खुद कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी। उस दिन से ये कमरा बंद पड़ा था। कमरे की हर एक चीज को उस दुर्घटना के बाद बदल दिया गया था, लेकिन उस बच्चे की तस्वीर वहीं की वहीं थी। उन्होंने बताया कि मैनेजर ने शायद गलती से अनिमेश को यह कमरा दे दिया था, क्योंकि नए होने के कारण उसे इस घटना के बारे में
कुछ भी नहीं पता है। चाचा की बातें सुनते सुनते कब अनिमेश की आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो चाचा उसे अगल बगल कहीं नजर ही नहीं आए। सुबह करीबन 10 बजे अनिमेश की फ्लाइट थी, इसलिए अनिमेश ने हिम्मत करते हुए अपना लगेज लेने खातिर उस रूम में प्रवेश किया और झटपट सारा सामान लेकर कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा बंद करते के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज एक बार फिर उसकी कानों में पड़ी। ये सुनते के साथ ही अनिमेश रिसेप्शन की ओर भागा। उसने तुरंत अपना बिल क्लियर किया, रूम की चाबियां पकड़ाई और वहां से रवाना होने के लिए तैयार हो गया। परंतु जाने से पहले वो चाचा से एक बार मिलना चाहता था। मैनेजर से जब अनिमेश ने पूछा तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि नया होने के कारण शायद वो सभी स्टाफ से मिल नहीं पाए थे। परंतु उनके बगल में खड़ा होटल का और एक स्टाफ बड़ी उत्सुकता से चाचा का नाम अनिमेश से पूछ बैठा। अनिमेश ने बताया कि उन्होंने तो अपना नाम रहमान बताया था और मेरी मुलाकात उनसे कल रात को हुई थी। ये सुनकर उस स्टाफ ने कहा, आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है, क्योंकि रहमान की मौत तो एक साल पहले ही हो चुकी है।